बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती ता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, YouTube से वैसे तो तअल्लुक बहुत पुराना है, लेकिन एज अ क्रिएटर मैंने 1 साल पहले मई 2020 में YouTube को ज्वाइन किया, जब लॉकडाउन था, घर में थे, कोई कारोबार नहीं था, बंदिश थी, घरों में कैद थे, तो मैंने YouTube को एज अ क्रिएटर ज्वाइन करने का फैसला किया। मेरे एक दोस्त थे जो YouTube पर काम कर रहे थे, व्लॉग बनाते थे, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि इमरान भाई, आप भी फ्री हैं आजकल, तो आप यूट्यूब पे काम करें तो इंशाल्लाह आपको इनकम भी होगी। वो तो अभी नए क्रिएटर थे, लेकिन उनके कुछ जानने वाले जो थे वो यूट्यूब से अर्निंग कर रहे थे। लेकिन इस लिहाज से मैं ये बहुत मुश्किल समझता था कि हम इस काबिल हो सकें कि यूट्यूब से अर्निंग कर सकें, क्योंकि इस पर बहुत मेहनत करना पड़ती है, इसकी जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी मुश्किल है। यूट्यूब ने रखा हुआ है कि आपके चैनल को मोनेटाइज करने के लिए 1,000 सब्सक्राइबर्स और 4,000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए। 1,000 सब्सक्राइबर्स करने ही हमारे लिए मुश्किल काम था, क्योंकि स्टार्ट था और हमारी अपनी जो लॉबी थी, हमारे जो ग्रुप था, हमारी फैमिली कर लें, मेरे दोस्त कर लें या अपनी सोसाइटी में कर लें, तो हम ज़्यादातर घूम फिर कर कितने एक सब्सक्राइबर कर सकते थे, 100, 150, 200, इससे ज़्यादा की हमें उम्मीद नहीं थी। तो मैं इसको मुश्किल तसव्वुर करता था कि 1,000 सब्सक्राइबर्स करना और फिर 4,000 घंटे वॉच टाइम पूरा करवाना बहुत ही कोई पहाड़ जैसा काम है। तो फैमिली मेम्बर्स तो चलो टाइम देंगे, लेकिन वो कितना ही देख लेंगे या कितने हमारे पास सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, और उसके बाद जाकर कहीं अर्निंग स्टार्ट होनी है तो अर्निंग भी कितनी हो जाएगी, क्या हमारी वीडियोस देखेगा कौन, और इतनी ज़्यादा अर्निंग कहाँ से आएगी। बेशुमार ऐसे सवालात थे जिनको लेकर मैं इसको काम में सीरियस नहीं था, लेकिन जब मैंने YouTube को स्टार्ट किया तो मुझे मज़ा आने लगा। एक तो इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है जब आप अपनी वीडियोस बनाते हैं, लोगों के सामने पेश करते हैं, कि लोग आपका मुवाजना करें, तजिया करें कि आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने चैनल मोनेटाइज होने तक तो अपने काफ़ी सारे वो व्लॉग भी बनाए, वीडियोस बनाई, अपलोड की, लेकिन कोई खातर ख्वाह कामयाबी नहीं हो रही थी, कोई इतना अच्छा कोई व्यूज़ नहीं आ रहे थे। एक दिन मैं देख रहा था कि हमारे कुछ भाइयों ने जो है ना, वो पेंशन के हवाले से और रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के हवाले से या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के हवाले से काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हुई थी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि लोग जो हैं वो हमारे बुजुर्गों को, हमारे पेंशनर्स को, हमारे बड़ों को निग्लेक्ट करते हैं, उनके हवाले से कोई इतनी बात नहीं करता। हाजिर सर्विस एम्प्लॉयज़ की तो सारे बात करते हैं, लेकिन बुजुर्गों की कोई बात नहीं करता। तो मैंने उनकी आवाज़ बनने का फैसला किया कि मैं अपने इस चैनल के जरिए, अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपने बुजुर्गों की आवाज़ बनूंगा। लिहाजा मैंने उनकी आवाज़ बनना शुरू किया। कुछ साथ सरकारी मुलाजमीन की हवाले से मैंने बात की, वीडियोस बनाई, और अल्लाह पाक ने साथ दिया, कर्म किया, और जब कहते हैं ना, कर्म हो जाए तो फिर दरवाजे खुलते जाते हैं। मेरी आवाज़ को लोगों ने अप्रिशिएट किया, साथ दिया, बहुत से बड़े लोग जो थे, बुजुर्ग थे हमारे, उन्होंने दुआएं दी कि कोई एक बंदा ऐसा है जो हमारी आवाज़ बन रहा है। आज उनकी दुआओं से मेरा चैनल मोनेटाइज भी हुआ और मेरा चैनल जो है उसकी पहली अर्निंग आ चुकी है, मेरी पहली यूट्यूब की इनकम मेरे हाथ में है। आज मैं वो निकलवा कर आया हूँ। इनकम ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी है वो मेरे लिए इतनी बड़ी खुशी है कि वो मैं आपको बता नहीं सकता। एक बंदा जिसे ये हो कि मैं यूट्यूब पे कामयाब हो ही नहीं सकता और उसके हाथ में पहली अर्निंग आ जाए तो कितनी खुशी होती है। मैं दोस्तों से कहता था यार ज्वाइन करो, वो कहते कि भाई आपने कितनी अर्निंग कर ली है जो आप हमें मशवरा दे रहे हैं। मैं कहता कि मेरी अर्निंग अभी नहीं आई, लेकिन बहुत जल्द मेरी अर्निंग मेरे हाथ में आ जाएगी। अब मेरे हाथ में मेरी अर्निंग मौजूद है, मैं अपनी इस अर्निंग को लेकर आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर भी ये जज्बा पैदा हो कि आप यूट्यूब पर काम करें और अर्निंग हासिल करें। मेरे मुझे कितनी अर्निंग हासिल हुई है ये सारी आपको बताऊंगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप लोग भी एज अ क्रिएटर यूट्यूब को ज्वाइन करें, यूट्यूब पर काम करें, व्लॉग्स बनाएं, अपनी वीडियोस बनाएं, मुख्तलिफ इस पे आप टॉपिक्स हैं जिन पे आप वीडियोस बना सकते हैं, आप बनाएं, आपको इंशाल्लाह अच्छी खासी अर्निंग होगी। ये मेरी 1.5 महीने की कमाई है। 1.5 महीने में मैंने कुछ इतना अच्छी प्रोग्रेस भी शो नहीं की, लेकिन फिर भी मुझे एक अच्छी हैंडसम अमाउंट मिली है। इसी तरह आप भी हासिल कर सकते हैं, तो आप भी मेहनत करें, आप भी कामयाब होंगे, लेकिन अपने माँ बाप की दुआएं साथ लेकर चलें। कोई भी काम हो, कोई भी बिजनेस हो, जब आप मुस्तकिल मिजाजी से इसको करते हैं तो अल्लाह पाक कामयाबी आपके कदमों के नीचे कर देता है। तो
आइए चले आपको बताते हैं कि मुझे कितनी अर्निंग हासिल हुई है। YouTube से जो मुझे अर्निंग हासिल हुई है वो आपके सामने मैं काउंट करता हूँ। 1, 2, 3 एंड समथिंग दिस, यानी कि मुझे तकरीबन लगभग ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ छोटी सी अर्निंग है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी रकम है जो मुझे हासिल हुई है। और ये खुशी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और इसका मज़ा तब आएगा जब आप भी YouTube को एज अ क्रिएटर ज्वाइन करेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।